अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है बस बहुत ज्यादा हो गया। आज जो है हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो नहीं, माय हस्बैंड इज डिचिंग मी टुडे। और हम मैं जो हूँ अभी तैयार होके नहा धो के निकलूंगी फिर दुबई मॉल। अली पहले जा रहा है, ही हैज़ टू मीट अ फ्रेंड ऑफ हिज एंड आई एम जस्ट गोना लाइक यू नो आराम से तैयार होंगी विद नो वन नैगिंग मी। और ये डीवा जो है तैयार हो रही हैं। डाइसन को मुझे बोला था कि क्या कहते हैं इसको, इसका क्या काम है, ये है वो है। और ये देखें जरा, यार ये क्यों नहीं बैठ रहे? बताओ अली, प्रॉमिस बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो देखो, यू प्रॉमिस प्रॉमिस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लुक सो वॉल्यूम। अली तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते हो? इधर देखो, देखो सबका ओपिनियन मांगते हैं। तो देखो मैं मुर्गा लग रहा हूँ? अली बिठाना नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दे लुक सो वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस। इतनी जल थोप रहे, मैंने इतना महंगा अपना स्टाइलर लगाया तुम्हें। सो मैं तैयार होके आ गई हूँ दुबई मॉल एंड यू कैन सी दैट माई हेयर लुक्स अ लिटिल डिफरेंट टुडे। स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग आउट माई डाइसन। और क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ा लर्निंग कर्व है, बट आई एम स्लोली स्लोली गेटिंग देयर बिकॉज आई रिमेंबर जब मम्मा ने लिया था तब तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, आज मुझे फिर थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। तो खैर मैं वेट्रोज जा रही हूँ विच इज़ अ सुपर मार्केट इन दुबई, वहाँ से मुझे कॉफ़ी का सिरप देखना है। और अली का मैसेज आया, ही इज़ ऑल्सो ऑन हिज वे हेयर। तो फिर जैसे ही वो पहुँचता है हम लोग कुछ खाने के लिए जाएंगे। आई एम सुपर हंग्री बिकॉज आज हम लोगों को बहुत नींद आ रही थी, कल हम लोग काफ़ी देर से घर आए थे एंड नाश्ता भी मिस कर दिया था। सो आई हैवंट हैड एनीथिंग टिल नाउ। सो द हस्बैंड हैज़ जॉइंड और अब हम लोगों ने खाना खा लिया। वी वर टू हंग्री एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट आई वाज ब्लॉगिंग। और अब हम लोग आए हैं हाफिज़ मुस्तफ़ा, जहाँ पे बहुत फेमस बकलावा मिलता है डैडी के लिए लेने के लिए। तो वी आर गोइंग टू गो एंड ऑर्डर सम एंड पैक सम एंड टेक इट होम फॉर डैडी। सो हमें यहाँ से जो है अभी कहीं और जाना है और घर जाने में भी हमारे थोड़ा सा टाइम है, बट वी वोंट बी इन दुबई फॉर अ फ्यू डेज, लाइक वी वोंट बी इन दुबई फॉर दैट टाइम। और मैंने इनसे पूछा एंड दे सेड दैट 3 से 4 दिन से ज़्यादा बकलावा लास्ट नहीं करेगा एंड नाउ ऑन सैड, बट दिस गाय वांटेड टू हैव इट, तो इनको तो मिल गया अपना बकलावा। समवन ग्रम्पी टुडे, पैरों में दर्द हो रही है यार। किसने बोला था इतने फैंसी जूते पहन के आओ? Look at how excited Ali looks for his baklava. Thank you. Are you Turkish? Yes. From Istanbul. Thank you. Enjoy. Shadi, first look. Wow, this does look rich. Taste. Try karenge ki acha hoga. टेस्ट टेस्ट फॉर द बकलावा ऑब्सेस्ड पर्सन। अभी पाँव में दर्द वर्द हो रहा था, सब ठीक हो गया। इज इट बैड और गुड? आई एम अज्यूमिंग इट्स गुड। ओके, आउट ऑफ 10? 20। सीरियसली? I don't even like baklava, but this is really nice. हम लोगों ने जो है एक
क्विक सा डिटूर मारा है हम लोग होटल आए, बिकॉज दिस डीवा वांटेड टू चेंज हिज शूज. तो और यहाँ से जो है बस हम लोग तैयार होके वी आर लीविंग फॉर ग्लोबल विलेज. क्विक चेंज ऑफ क्लोथ्स, वेरी क्विक एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू वेयर वी गोइंग, ग्लोबल विलेज. मैं सोचा रास्ते में मैं सो जाऊंगा. Where are we going? Global Village. Where are we going? Where are we going? Global Village. तुम कहाँ नहीं सोते हो? क्योंकि तुम सो ही रहे थे तो भाई मौत से रास्ते पर. We are here. हर रास्ता में जो सोया हूँ ना. अब फ्रेश हो गए? नहीं, मुंह धोना है फिर से सुनना. किस पार्टी पूपर के साथ मैं घूमती हूँ वैसे. चलो जाओ टिकट लेके आओ. शाबाश. पहला स्टॉप हमारा जी बाथरूम, बिकॉज ऑब्वियसली दिस वन हैज टू गो. पहला स्टॉप है तुर्की जी. यहाँ से देखना है अगर इन लोगों के पास टर्किश जानमाज है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे डैडी के लिए लेनी है. आई होप दे हैव इट. दिस इज़ व्हाट द टर्किश प्लेस लुक्स लाइक. यहाँ पे जो है जूसेस हैं, बकलावा है और ये सारे टर्किश जो मील्स होते हैं वो हैं. एक्सेसरीज वाला है, टर्किश आइसक्रीम जो होती है वो भी है. मुझे I have no idea. और मुझे वो भी मिल गई, जानमाज भी मिल गई. I didn't get it right now because I didn't want to carry it around. But हमने रिजर्व करा लिया, वापस आके लेंगे. तो अब चलते हैं टू आर नेक्स्ट, क्या बोलते हैं इनको वैसे, इनक्लेव डेस्टिनेशन. डोलमा लोगों ने ट्राई किया था बाकू में, हमें मिर्जा ने ट्राई किया कराया था डोलमा. डिफरेंट के हिसाब से अच्छा था. वन टाइम ट्राई वाला सही था. पाकिस्तान भी देखें जरा, हमारा पाकिस्तान किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है. चलो जाने? चलो जी बंस रोड चले. डांस भी है. चले जी लेट्स गो. गुड, नॉट बैड, नॉट वेरी हैपनिंग. जैसे हम लोग जब टर्की गए थे तो वो बहुत हैपनिंग था और लाइक यू नो सब चीख रहे थे and they were having fun. Yeah, but like nice. Like I did feel कि मैं पाकिस्तान आ गई वापस. आए हैं crazy poutine. अच्छा मैंने इसको बोला कि यार poutine is not fries. It's fries drenched in like sauce and liquid and stuff. No, you didn't say that. You said it's not fries. It's poutine. And I told you that fries are just like. That's because poutine is a Canadian like delicacy. खैर इंटेंस किस्म के झूलों में जाने वाली हूँ तो मैं ज़रा चाह रही थी रिचार्ज हो जाऊँ, ज़रा फिलअप कर लूँ. तुम्हें नहीं बिठा रही भाई, तुम्हें नहीं बिठा रही. वेरी नाइस, आई अप्रूव. 9 out of 10 फॉर पुटीन. और ये सर जो हैं इनको जो वो मानी नज़र आता है वो मेरे कज़न शदान को उनसे जाके बोलते कि उनके लिए कुछ बोले और उसको वीडियो भेजता है. जैसे पता नहीं ओमान कोई डायनासोर है. अभी भी मैंने कहा अन्ना हुप्पू की हम लोग जा रहे हैं किसी 4D मूविंग थिएटर में. चलो आई एम एक्साइटेड. टिकट्स लें. 2D मोशन राइड अच्छी थी. 4D सॉरी बट आई नीड एक्चुअल झूला. आई नीड एक्चुअल झूला नाउ, नॉट अ फेक झूला. And I see it.
तो अभी मैं बैठने लगी हूँ फ्री फॉल में एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये पूरा ऊपर तक जाएगा और फिर ड्रॉप होगा। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे यार, दुआ करें। भूत बंगला वाज टू मच फन, बट लोगों के शौर होते हैं वो उनको बचाते हैं भूतों से। मुझे उल्टा और फेंक रहा था भूतों के अंदर। मेरा गला खराब हो गया। चलो हम लोग कोई गेम खेलते हैं, जरा अली को खिलाते हैं। ये बाल्टी वाली नहीं खेलना, ये बहुत बाउंसी बॉल देते हैं, शायद सीधी बाहर आ जाती है। हाँ ये नहीं, ओ ओ यहाँ पे एक राइड है स्लिंग शॉट जो है इस तरह का, ये वाला। तो यहाँ पे जब कोई जाता है ना तो उसकी पूरी एक वीडियो है गोप्रो से जो बनती है, तो वो वहाँ पे दिखाते भी हैं और आपको ऑप्शन देते हैं खरीदने की। तो अभी हम आपको ज़रा दिखाते हैं अनिया, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा भाई, मुझे बड़ा डर लगता है, सीधी सी बात है। तो एक बच्चा मिल गया हमें, क्योंकि दो लोगों की राइड है, तो एक बच्चा हमें मिल गया जो कह रहा था कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो उसको भी जाना था, अनिया को भी जाना था, तो यहाँ पर जगह बन गई। तो यहाँ पर इनकी अब बारी आने वाली है, आपको जरा दिखाते हैं रिएक्शन। ये इस तरीके से जैसे ये ऊपर है, रेडी ये जी बैठ चुके हैं और इसके ऊपर आएगा सारा व्यू। ये यहाँ पे इस तरह आएगा, तो अब दिखाते हैं आपको। अली हमजा का निशाना देखते हैं। निशाना रिकॉर्ड नहीं करना यार। नहीं, निशाना तो रिकॉर्ड करूंगी। वहाँ पे तीन बॉल्स हैं, वो गिरानी है। एक सॉफ्ट, तीन बॉटल्स हैं, वो जो है एक सॉफ्ट बॉल से गिरानी है, जैसे मैंने गिराई थी, बट लाइक मच लाइटर। क्योंकि जब तक सारे नहीं गिर, नहीं नहीं मजाक उड़ा रही थी। ये देखते हैं ये क्या कर सकती है। ओ
क्यों नहीं रखेगी? वो क्लोज यार, एक और है, दो थे सिर्फ। लास्ट टाइम ग्लोबल विलेज आए थे तो हमें चूरोस इतने अच्छे लगे थे, सभी टाइम पे हाथ में लग गया है। या न्यूटेला वाले तो वे, ये जो राइड थी ना स्लिंगशॉट, ये मेरी बकेट लिस्ट पे थी बहुत अरसे से, लाइक बहुत अरसे से। आई सॉ दिस इन अमेरिका एज वेल एंड आई सॉ इट हियर ऑल द टाइम दैट आई कम टू ग्लोबल विलेज। हाँ ऐसी थी, और मुझे इतने हाई होप्स ने स्लाइड थे दिस, बिकॉज इट लुक्ड लाइक द स्केरियस्ट राइड दैट आई एवर ट्राइड एंड दैट आई विल एवर ट्राई, बट इट डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन, लाइक वॉज नॉट स्केरी एट ऑल। मुझे तो बिल्कुल भी स्केरी नहीं लगी, बट इट वॉज फन बट जस्ट नॉट स्केरी। कोई भी अली भी बैठ जाता ना तो उसको भी डरना लगता। ट्राई टेस्ट टेस्ट तुम करो, चलो बिल्कुल पहले जजम। दिस इज अली व्हेन ही डजंट गेट फूड। और गेस कह रहे हैं अब अली कौन सी राइड में जा रहा है, रेस्ट रूम एज ऑलवेज। अब हम जा रहे हैं इंडिया के पवेलियन में इन होप कि मैं जो हूँ इंडियन पाव भाजी या गोल गप्पे इंडियन के जो है पानी वो पूरी। पानी पूरी जो होते हैं वो पाकिस्तानी पानी पूरी से बहुत बेहतर होती है, सो आई एम होपिंग दैट वी गेट टू ट्राई दैट एंड फाइंड दैट इन द पवेलियन। और उसके बाद हम लोग जाएंगे चाइना के पवेलियन में, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा है, चाइना का बहुत बड़ा आई थिंक यूएई के बाद चाइना का सबसे बड़ा पवेलियन है यहाँ पर जी। अल हिंद इंडिया, let's go, चलो on the goal गप्पे। वड़ा पाव भी खाना है, वड़ा पाव क्यों? चलो जी टेस्ट टेस्ट। ये हर दफा टेस्ट टेस्ट पहले मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम ज्यादा फूडी हो ना, या यू नो मौके नहीं मिलते ना मुझे, जब मिलते हैं तो मैं छोड़ता नहीं। सो चटनी थी, चटनी भी डालनी होती है? क्यों दिया उसने डिस्प्ले के लिए साथ? हाँ मुझे लगा शायद उसमें दबोनी होती है। ये वाली तो पाकिस्तानी लग रही है। रियली? इंडियन रसमलाई, क्योंकि इसका कलर डिफरेंट था और ये मैंने किसी वीडियो में देखा था कि ये लाइक किसी ने जिसने दोनों ट्राई किए हैं दे लाइक कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इंडियन इज लाइक वे बेटर। मैंने कहा ठीक है ट्राई करके देखते हैं, अनबायस्ड रिव्यू दूंगा। व्हाट बेटर? या ओके लेट मी ट्राई, बी ऑनेस्ट। ओके ज़ाफ़रान का टेस्ट जो है वो ज़्यादा है इंडिया। तो ज़ाफ़रान इज़ मेकिंग इट बेटर ना? सेम। बहुत पसंद है पीपल दैट फॉलो मी फॉर अ व्हाइल ऑलरेडी नो दैट। सो आई हर्ड कि नेपाल के जो डंपलिंग्स मैंने इसके कान में डाल दिया, इसका पेट जो था वो फट रहा था, मैंने कहा मोमोज नेपाली। नेपाल के जो डंपलिंग्स होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आई वाज सीइंग दिस रेसिपी, वो इतने अच्छे लग रहे थे। सो वी फाउंड दिस प्लेस कॉल्ड मोमो गली एंड वो नेपालीज स्ट्रीट फूड है और उनके पास मोमोज थे, वी आर ट्राइंग दोस नाउ। अभी जो हमारी बेगम है ना वो थी चाइना के पवेलियन जाने के लिए बड़ी बेताब, लेकिन अब वो मोमोज लेके बैठ गए कि नहीं नहीं पहले मैं मोमोज ट्राई करूंगी। ऑथेंटिक? I don't know if they're authentic, but they're really nice. Yeah, Nepali stalls are. I'm assuming it's nice.
वेरी नाइस, आई अप्रूव मोमो गली, यू आर डूइंग वेल. दिस वाज मोमो गली. अकॉर्डिंग मैं पहले से यानी पहले से बता देता हूँ कि मुझे ना मोमोज इतने अच्छे नहीं लगते, लाइक मंतू मोमोज व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. ही कॉल्स देम स्टीम्ड पकोड़े. दे आर स्टीम्ड पकोड़े. अच्छे ना. वेरी नाइस. टाइम फॉर अलचीन. चीन नहीं है, अलसीन. अलसीन स्वाद है. चाइना. फाइनली डन. I'm done. So full, so tired. But अभी हमें जो है, I have to meet a friend of mine, Hira. वो जो couple हैं, they're both our friends. But Imad जो है, he's gone to Qatar to watch the World Cup. So it's just Hira. So we're going to her house right now to meet her. और अभी कोई taxi ढूंढते हैं भाई. एक तो यहाँ पे आँखों में दर्द हो रहा है. बड़ा rush होता है taxiyon का. पैरों में, ankle में. चलने अब चलना भी बहुत पड़ता है. मैं तो दुबई से जब जाती हूँ 1-2 किलो कम हो जाता है मेरा. सो वी आर हेयर एट हिरा द लोनर हुज हस्बैंड हैज गॉन टू वॉच द मोस्ट हैपनिंग इवेंट इन द वर्ल्ड एंड शी इज सिटिंग हेयर वर्किंग फ्रॉम होम. एंड अभी मैं इनको बताने लगी कि मैं जरा वीडियो बना लगी, तो दोनों जो है इतने प्रॉपर होके बैठ गए. नंबर वन ये फेकर. नंबर टू हिरा, हाउ डू यू फील बीइंग अलोन while your husband is going to watch FIFA? Having quite the time of my life. Yeah. Watching the lion me, show. Me, and she was watching some wild animal life show. Like proper cat proper lady. National Geographic jo tha. National basically Netflix ka National Geographic dekh rahi thi Hira. Aur abhi jo hai kya time ho chuka hai, 2:30 baj chuke hain and it is time for us to leave. Let's go. Let's book go. Book Kareem. Aa gayi hai. Aa gayi? Haan. Chalo. Bade yaar. What are my 31st फ्लोर हाउस हिरा का व्यू. माई हेड हर्ट्स जस्ट लुकिंग एट इट सो लो. आई एम सो स्केर्ड मेरा फोन ना गिर जाए. नो अली, लेट्स जंप. नहीं यार, मुझे ऐसे जैसे ब्रूनो नहीं ऐसे छलांगे मारता यहाँ पे. नहीं, ब्रूनो इतना डम नहीं है कि 31st फ्लोर से छलांग मार ले. बट टाइम टू गो होम. आई लुक होमलेस. यू डोंट लुक होमलेस. भाई मुझे तो कल बहुत नींद आ रही थी, सो वी केम बैक एंड स्लेप्ट एंड जस्ट गॉट अप. आज भी नाश्ता नहीं किया बिकॉज ऑफ समवन एंड वी पैक्ड एंड रेडी टू चेक आउट. सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी नई डेस्टिनेशन पे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.